हेलो एवरीवन, मैं मैंडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 एवं 7 का जो कार्यपत्रक है गणित का, उसका कार्यपत्रक 40। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक 40। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। कौन कौन सी आकृतियों की भिन्न भिन्न दी गई है, आकृतियों के भिन्न के बराबर है, सही पर निशान लगाना है। ये हमारे पास एक भिन्न दे रखी है, उसका हमें बताना है कि कौन से भिन्न का बराबर है। तो ये हमारे पास है इसका 2/4। इसका क्या है, 2/4, उसको हम कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास। इसके बराबर कौन सी है, तो ये क्या है कि नहीं, ये 1/3 है तो ये क्रॉस हो जाएगी। इसमें आएगा 4/8 और ये क्या होगी, इसका टिक हो जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये भी 1/2 है, कट सही हो जाएगी। ये 1/2 नहीं है इसलिए क्रॉस हो जाएगी। नेक्स्ट, आकृतियों की को भिन्न संख्याओं के रूप में लेकर छोटे से बड़े क्रम में लिखना है अपन को। तो ये जो भिन्न है इसका हम यहाँ लिख देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना है, 5 है। तो 5/5 में छायांकित है और 5/9 कितना है इसका, 5/9। और फिर इसका है 1 इकाई पूरा है इसका, तो और 3/4, 1/4, 1/2 और 1/3, ये हमारे पास हो गई भिन्न। अब इनको हमें क्या करना है, जमाना है। कौन से क्रम में इनको हमें जमाना है, आकृतियों को छोटे से बड़ा, सबसे छोटी पहले लेनी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे, एंड इसके अंदर सबसे छोटी जो भिन्न है वो है 1/4, कौन सी होगी, 1/4 सबसे छोटी है। उसके बाद में 1/3 है, और इसके बाद में हम लेंगे 1/3 के बाद 3/4, 3/4 के बाद में हमारे पास होगी 3/4 हो गई, और 3/1 इसके बाद में जो है वो 1/2 आएगी, क्या आएगी, 1/2 और 3/4, 5/9 और 1। नेक्स्ट, सबसे छोटी भिन्न पर गोला बनाना है। 3 भिन्नें दे रखी है, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसमें हमारे पास सबसे छोटी जो भिन्न है वो है 1/5। 1/13, 11/13 और 12/13, तो 1/13 सबसे छोटी भिन्न है। सबसे बड़े भिन्न पर गोला बनाना है, और सबसे बड़ी भिन्न है 8/12 और इसमें सबसे बड़ी भिन्न है 6/6। 3/7 से छोटे से छोटे दो भिन्न लिखने हैं हमको, तो 2/7 लिख लेंगे और 1/7 इससे छोटा है। नेक्स्ट, समतुल्य भिन्न बनाइए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, खाली बॉक्स में छोटे बड़े या बराबर चिन्ह का हमको प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इनमें से देखिए कौन सा बड़ा है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/3 है, तो 1/2 बड़ा होगा। यहाँ पे है हमारे पास 2/4 और यहाँ पे हमारे पास 3/4, तो बड़ा कौन सा होगा, 3/4। 1/4 और यहाँ पे है 3/4, तो 3/4 ही बड़ा होगा। यहाँ पे है हमारे पास 1/3 और यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, तो 4 तो ऊपर आएगा और 8 का आएगा नीचे, तो इसका होगा 1/2, तो बड़ा कौन सा होगा, 1/3।